अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। होपफुली आप सब फाइन होंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि ये आज मैंने कहाँ से व्लॉग स्टार्ट कर लिया। तो मैंने आज जो है एलोवेरा से व्लॉग स्टार्ट किया है, एलोवेरा को दिखाते हुए। तो मैंने देखा कि इतनी ज़्यादा गर्मी है, और जब इतनी ज़्यादा जो कड़क तेज़ धूप पड़ रही है, और जो इतनी तेज़ जो सनलाइट जो है इतनी ज़्यादा तेज़ है, और वो जो है हमारी स्किन को भी जो है डल कर रही है, बिल्कुल उसको डार्क कर रही है, और जो है बिल्कुल उसको ड्राई कर रही है। तो मैंने कहा कि हम क्यों ना, जब अल्लाह पाक ने हमें इतनी अच्छी एक नेमत दी है एलोवेरा की, तो जैसे कि एलोवेरा के आपको पता है कि ये घुटनों के दर्द के लिए भी बेस्ट है, और ये जो हॉर्मोन्स जो इम्बेलेंस हो जाते हैं उसके लिए भी बेस्ट है, और उसके अलावा जो है बेली फैट का जो मसला है, या हार्ट हेल्थ के लिए भी जो है उसके लिए भी ये बेस्ट है। तो उसके साथ साथ एलोवेरा जो है आपकी स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा बेस्ट है, बहुत ज़्यादा एक बेस्ट चीज़ है। क्योंकि और आपके साथ एक मैं ऐसा होममेड स्क्रब जो है शेयर करूंगी कि जिसके साथ आपकी स्किन जो है बिल्कुल ग्लो करेगी, और जो है गर्मी की वजह से आपकी स्किन डल और ड्राई हो जाती है वो भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अब जो है एलोवेरा जो आपकी स्किन के लिए जो पीलिंग फेस स्किन, ठीक है, ड्राई एंड डल और पीलिंग फेस स्किन के लिए बहुत बेस्ट है, और जो आपके फेस पे आइज़ के नीचे डार्क लाइंस हो जाती हैं, और जो पिगमेंटेशन हो जाती है उसके लिए भी बहुत बेस्ट है, और आपके डार्क सर्कल्स जो हैं उसके लिए, और जो है आपके स्किन पे कोई किसी किस्म की कोई भी पिगमेंटेशन हो जाती है, और जो है ये आपको आपकी स्किन को जो धूप के असरात से, जो धूप के नुकसान से भी ये आपको बचाता है। और उसके अलावा अगर आपके फेस पर जो एक्नी बन जाए उसके लिए भी ये बेस्ट है, आपके फेस से एक्नी को भी दूर करता है, और ये जो है आपके डार्क सर्कल्स को रिमूव करता है, अपनी एक्नी स्कार्स को, पिंपल्स को, और आपके मार्क्स को, जो है उसके अलावा जो है पिगमेंटेशंस को, ये सब के लिए बहुत बेस्ट है। आप इसका अगर 7 डेज़, ये जो आपके साथ मैं शेयर करूँगी 7 डेज़ और या 10 डेज़ भी अगर आप इसका यूज़ कर लें, तो आपकी जो स्किन बिल्कुल एक जादू की तरह हो जाएगी। तो इसमें आपने क्या क्या डालना है, जैसे कि आपने देखा इसमें हमने ऐड करनी है हल्दी, ठीक है, 1 चम्मच बेसन का ऐड किया, और जो है उसके अंदर हाफ चम्मच हल्दी का, और हल्दी आपने वो लेनी है जो हल्दी आपने लेके जो है खुद पिसवाई है, मतलब कि बिल्कुल खालिस हल्दी, ठीक है। और जो इस तरह से आपने, और इसके अंदर जो है आपने एलोवेरा जो मैंने आपको दिखाया वो आपने काट के जो अंदर ऐड कर लेना। ये मैं अपने भाई को दिखा रही थी, देखो अगर आप भी ये वाला जो है मास्क यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, और जैसे कि मैंने आपको रिज़ल्ट भी दिखाया कि इसके यूज़ से जो स्किन कितनी ग्लो रहती है। तो मैं आपको भी ज़रूर ये रिकमेंड करूँगी यूज़ करने के लिए। और उसके अलावा जो है हल्दी भी जो है वो बहुत इफ़ेक्टिव है, एक्नी को भी वो दूर करती है, और जो हल्दी में है एंटीसेप्टिक और एंटी बैक्टीरियल होते हैं जो हमारी स्किन के लिए बहुत ज़रूरी हैं, और स्किन को जो है हमें ग्लो करते हैं, और स्किन को जो है बिल्कुल टाइट करते हैं, और जो है हमारे स्पॉट्स मार्क्स को भी बिल्कुल दूर करते हैं। और आपको पता है इसी तरह बेसन के भी फ़ायदे हैं, बेसन भी आपकी स्किन को टाइट करता है, ग्लो देता है आपकी स्किन को। और जो आपने अब इसमें जो है, एक तो आपने इसमें 1 चम्मच आप उतना ही बनाएं जितना आपने उस टाइम में यूज़ करना है, बनाएं उसके बाद 1 घंटे 2-1.5 घंटे के अंदर अंदर यूज़ कर लें, बस सेव नहीं करें इसे। तो आपने इसमें 1 चम्मच बेसन ऐड कर दिया, और हाफ चम्मच है इसमें आपने हल्दी, खालिस हल्दी, जो घर की मसाले वाली हल्दी नहीं लें आप, क्योंकि उसमें हमने मिर्च वाले चम्मच भी डाले होते हैं, इससे आपके कहीं फेस पे जो है और ज़्यादा कोई एलर्जी वगैरह ना हो जाए। और अगर कोई मिर्च मसाले मिक्स नहीं है तो आप जो बाज़ार की हल्दी बनती है वो भी आप देख के कि जो खालिस हो बिल्कुल ठीक वो भी ले सकते हैं, ठीक है। और ये जो मैं आपके साथ सब शेयर करती हूँ अपनी स्टडी, अपनी नॉलेज के साथ, तो मैं कहती हूँ कि अगर मेरी स्किन को फ़ायदा पहुँच रहा है तो जो है मेरी बहनों को भी साथ इतना ही फ़ायदा पहुँचे, ठीक है। और ये जो है आपने ये ज़रूर यूज़ करना है, और आप जो है मुझे दुआएं देंगे कि आपकी स्किन इतनी ग्लो करेगी और इतना बेस्ट आपको रिज़ल्ट मिलेगा। और उसके बाद ये मैंने आपके लिए जो है पैक तैयार किया, मतलब कि खुद के लिए तैयार किया, और आपके लिए मैंने रिकॉर्डिंग की, और उसके बाद जो है मैं अपनी स्टडी के लिए बैठ गई, और मगरिब का टाइम होने वाला था, मैंने कहा कि चलें कुछ देर स्टडी कर लेती हूँ और उसके बाद जो है अपनी नमाज़ वगैरह अदा कर लेंगे।
और ये जो है आपने ज़रूर अब यूज़ करना है, और 7 डेज़ या 10 डेज़ भी आप इसका मसलसल यूज़ करेंगे तो रिज़ल्ट आपके सामने होंगे। और जो है अब मैं अपनी स्टडी कर रही थी, स्टडी के साथ साथ जो है मैंने आपके साथ ये शेयर भी किया, तो आप अब ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जो है अल्लाह हाफिज़।